सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इट्स एम कुमार में। मैं मनोज कुमार आप सभी के साथ एक बार फिर से हूं। आज है एक और संडे और अभी हो रहे हैं सुबह के 5:50 और हम लोग निकल चुके हैं अपनी आज की संडे राइड पर। और आज हम जा रहे हैं एक बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड जगह पर। जगह काफी बढ़िया है लेकिन वीडियो चेक कर रहे थे, वहाँ का वीडियो अभी तक किसी ने नहीं बना रखा। वहाँ का आज हुआ तो वीडियो बना के लाएंगे। फिर बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को अपनी शुरुआत करते हैं। अभी का प्लान यह है कि मेरे को यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर जाना है। वहाँ पे हमारा मीटिंग पॉइंट रखा गया है और फिर वहाँ से हमारे साथ जो दूसरे राइडर हैं वो ज्वाइन करेंगे। और कल जैसा कि पेट्रोल पंप की हड़ताल थी तो अभी मेरे पास बहुत थोड़ा सा पेट्रोल है, तो अपना सबसे पहला काम होगा कि हम पेट्रोल फिल कराएंगे। तो एज यूजुअल काठियावास टोल के पीछे एक अंकल जी भाई साहब ले बैठते अपन को। सही बोल रहा हूँ, ले ही बैठते। उस टाइम एक्शन कैम बंद था नहीं, आपको भी दिखाते वो कैसे ले बैठते। ओके, यहाँ आगे एक पेट्रोल पंप आएगा, उससे हम पेट्रोल भरवाएंगे। इधर लगाऊं? फुल कर दो। 96.94 बस बस 864। यहाँ से टैंक फुल करा लिया है। हाँ, नीचे पुलिया के नीचे मिलना, लेकिन ठीक। और वहाँ पे दोनों बच्चे पहुँच चुके हैं और मैं एज यूजुअल लेट। सनराइज भी चालू हो गया है यार, मूंगफली यहाँ पे खड़ा है। सनराइज का नीचे मजा ले लिया आज। वापस घूम के भाग गया पुलिया के नीचे से। यहाँ पे एक मिलना चाहिए। किधर खड़ा है? यहाँ पे ये है टिंगरिया हमारा खड़ा हुआ। और भाई साहब जी, बिना परमिशन चढ़ने का नहीं, बिना परमिशन उतरने का नहीं। यहाँ पे हमको 35 किलोमीटर ऑलरेडी हो चुके हैं और 6:20 हो गए हैं। थोड़ा सा लेट हो गए, यहाँ पे सनराइज ऑलरेडी हो चुका है। हमारा प्लान था कि ये जो सनराइज है हम आपको वहाँ ऊपर टॉप से दिखाएंगे, लेकिन कोई नहीं, चलता रहता है, हम अक्सर लेट होते हैं। टाइटल में देख लिया होगा, हम जा रहे हैं राम रूनीचा। वाह, कितना शानदार व्यू लग रहा है। दो पहाड़ और दोनों पहाड़ों के बीच में से वहाँ पे सूरज उगता हुआ। ओके, यहाँ पे ये मोरिजा फोर्ट है और इसका भी हमने अच्छा सा वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, भाई साहब जाके देखना जरूर, काफ़ी अच्छा वीडियो था। तो भाई, इस बार थोड़ा सा नया एक्सपेरिमेंट किया गया है कि हमने लगाया है पीछे एक कैमरा, आपको दिखाते हैं उस कैमरे से व्यू। आपको कैसे लगे जरूर बताना। सर आ गया ये तो, और इधर से अपन को लेफ्ट ऊपर। जल्दी आओगे भाई का, हाँ जाओ जाना।
भाई साहब, ओ भाई साहब, ये तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस आ गई। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, खतरनाक चढ़ाई, एकदम स्टिफ, आपको ऐसे दिखेगी नहीं। पूरी खाई है और आगे भाई साहब राइट में, हाँ गाड़ी केवल फर्स्ट गियर में ही चल रही है यहाँ तो। भाई साहब मैं सोच रहा था एक बार प्लेटिन आ लिया हूँ, लेकिन भाई साहब प्लेटिन आके तो हालत खराब हो जाती है यहाँ। तो ये है राम रोनीचा जो मेन मंदिर है उसकी, यहाँ पे सीढ़ियाँ आ गई है, लेकिन जो पार्किंग है वो थोड़ा सा आगे की साइड है, तो अभी हम पार्किंग की साइड चलते हैं, वहाँ गाड़ियाँ लगाते हैं। भाई साहब काफ़ी बहुत ही हार्ड है, बहुत ही ओहो हो भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा हार्ड, बहुत ही बहुत 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 ही हार्ड। ओहो हो, ओहो हो, मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में है। वाह 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 भाई साहब, बहुत ही सही जगह पहुंच गए यहाँ पे, हाँ हाँ एक नंबर। वाह उधर से व्यू बढ़िया आ रहा है, तो अभी उधर चलेंगे अपन और उधर से देखेंगे आखिर क्या सीन हमको मिलता है ना। एक नंबर। तो इसने ये जगह बताई थी कि भाई ये ऐसी कोई जगह है यहाँ आसपास, तो हम लोग वैसे ही वेले घूमने के लिए मतलब निकल पड़े कि भाई इसका वीडियो बना के इसको सेव करेंगे। तो चलो फटाफट मिलते हैं आपको अंदर, है ना भाई साहब। यहाँ से जो व्यू है ना काफ़ी सही व्यू आ रहा है, तो मैं एक बार आपको एक्शन कैम के थ्रू और एक बार जो अपना मोबाइल है उसके थ्रू यहाँ का व्यू दिखाता हूँ भाई साहब, एक नंबर। मस्त मस्त था ना, शानदार। तो अभी ये काम करते हैं, इससे पहले कि धूप हो हम चलते हैं मंदिर, फिर उसके बाद भाई साहब वहाँ जो स्काई लाइन है ना उसका थोड़ा सा आनंद लेते हैं। चलो फिर अंदर चल के आते हैं ना। तो इधर एक ये रास्ता है जो कि उधर सीढ़ियों से उधर से आ रहा है, और जो गाड़ियों वाला रास्ता था वो इधर से था, और ये जो सीढ़ियाँ हैं ये जा रही हैं यहाँ ऊपर मंदिर पर। यानी पहले शूज़ उतार देते हैं फिर उसके बाद चलते हैं ऊपर। भाई साहब कैसे चल रहे हैं ये और राजा वाले बूट्स? बहुत बढ़िया बढ़िया, ले लिया जाए फिर इनको। बिलोची के आसपास का एरिया है और ये मंदिर है राम रोनीचा, रामदेव जी का मंदिर है। अपनी जो बाइक्स हैं देखो हमने वहाँ पे पार्क कर दिए और हेलमेट्स भी अभी उन्हीं पे हैं। भाई साहब यहाँ से जो व्यू है ना एक नंबर। यहाँ पे भाई साहब मेला है,
हमारे साथ यहाँ पे जो पूरे प्रांगण की देख रेख करने वाले राम कुमार दास जी हैं, तो ये है राम कुमार दास जी। तो एक बार हम इनसे जानते हैं कि आखिर क्या यहाँ की मतलब मान्यताएं हैं इस जगह की, और इस जगह के बारे में थोड़ा सा इनसे जानते हैं। बारे में क्या मान्यताएं हैं यहाँ का? बारे में तो देखो, अंदर रोम शक्ति विराजमान है, राजगदन मेला ही रहता जीतवार के रोज। आप देखो, रुकोगे आप 11-12 बजे तक, आपको दिखेगा ये तो तरक्की वाला जी हो रहा है। अच्छा। इतनी तो जनता के आस्था से आते हैं। बाबा राम भूमिजा महाराज की, भूमिजा महाराज की जी। कम से कम 1000 आदमी ऊपर माता बहन भाइयों आते, रूमीड़ा महाराज की मनोकामना पूरी करता है। जो शक्ति अंदर वो ही काम करते। कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? 26-27 साल हो गया। हमारे जो गुरु महाराज राम कुमार दास जी महाराज है, तीर्थान जो विराज रहे आए गए होगी तुम दस ग्रह दूरी तार पाते महाराज ने। क्या नाम है आपका? रामेत्री योगी। काफ़ी बढ़िया जगह लगी, मतलब बहुत अच्छी जगह। यहाँ के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, तो इसलिए सोचा यहाँ पे चल के थोड़ा सा वीडियो बनाते हैं, ताकि इस जगह का थोड़ा सा लोगों को पता लगे और लोग आए यहाँ पे। काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, व्यवस्था पूरी है यहाँ पे। आराम से सीढ़ियाँ भी, आप सीढ़ियों के थ्रू आ सकते हैं, और अपने जो टू व्हीलर है, टू व्हीलर तो ऊपर तक आ सकता है, फोर व्हीलर को आपको नीचे ही खड़ी करके आना पड़ेगा। नहीं नहीं, आ सकती है जी, लेकिन थोड़ा सा मेरे को तो रिस्की लगा, तो फोर व्हीलर में अगर आप एक्सपर्ट ड्राइवर हैं तो आप ऊपर लेके आए हैं ना। पांचों मंडल जितने साधन आते हैं अपना जीते नारायण धाज महाराज का अंदर में है ये। अच्छा, खंड में लिखा है, और तो कोई पालन ही नहीं कर सकता इसका। तीसरी साल में ये भी करते हैं, ये 2-5 भंडारा 10-20 हज़ार आदमी का आराम से होता रहते हैं। तो मतलब भंडारा कब होता है? ये भादों का महीना में होता है, भादों के 10 से 12। तो यहाँ मतलब बाबा ने हमें स्पेशल यहाँ पे बताते हैं कि जो भी सुबह सुबह आता हूँ सबको यहाँ पे चाय पिलाई जाती है, तो बाबा ने स्पेशल मतलब सबके लिए यहाँ पे चाय की व्यवस्था रखते हैं। अगर आप सुबह आते हो तो आपको भी यहाँ पे तो बाबा प्रसाद के रूप में यहाँ चाय मिलेगी आपको। तो एक बार यहाँ पे चाय फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे हम। तो यहाँ पे जो माँ वैष्णो देवी है उसका बड़ा ही प्यारा मंदिर है। तो जैसे रुणिजा के अंदर बाबा रामदेव के जो पगले हैं, उसी टाइप से यहाँ पे भी पगले के निशान हैं, और साथ उनके यहाँ पे सामने जोत जल रही है, और पास में ही यहाँ पे एक शिव जी का मंदिर है, साथ में ही उनके बगल में यहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर है। जो पीछे दिख रहा है यहाँ पे यज्ञ होता है, ये थे यहाँ पे जो उनसे हम मिले, काफी बढ़िया लगा, उन्होंने हमें चाय पिलाई, सबने यहाँ पे चाय भी पी है। और अभी यहाँ से भाई साहब व्यू एक नंबर आ रहा है, यहाँ से हम ड्रोन शॉट नहीं लेंगे, हम ड्रोन शॉट लेंगे वहाँ से। सीन ये है कि हम लोग ड्रोन उड़ाने के लिए यहाँ पे जगह ढूंढ रहे हैं, तो वहाँ से हम पॉइंट देखे थे लेकिन इतना कुछ खास लगा नहीं। तो यहाँ पीछे की साइड एक लोकेशन है, वहाँ चलते हैं और वहाँ से ड्रोन से लेते हैं कुछ 2-4 अच्छे अच्छे सीन। ये जो पॉइंट है इसको सनराइज पॉइंट और सनसेट पॉइंट बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आता है, जैसा आप देख सकते हो उधर वो पूरा रास्ता आ रहा है। तो
ये जो सीढ़ियां हैं, ये सीढ़ियां आ रही है वहां से ऐसे 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 और नीचे तक वहां तक जा रही है। तो भाई साहब कैसा लगा यहाँ का, मतलब यहाँ का जो ड्रोन शॉट आया आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब टाइम 8 बज चुके हैं तो हम लोग अब यहाँ से निकलते हैं और आपसे मिलते हैं रास्ते के अंदर। ये था आज का वीडियो, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और आपके कोई भाई बंधु है जिसको इस प्रकार से मोटो ब्लॉग और ऐसी चीज़ें घूमना पसंद है तो ये वीडियो उससे भी शेयर ज़रूर कर देना। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।